दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं 12th हिंदी के 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के, यानी कि इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय और लेखक जीवन परिचय में आपको कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर जीवन परिचय कैसे लिखना है। बिल्कुल एकदम टॉपर वाली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आखिरकार कितना लिखने पर 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी के साथ यहां पर ये वीडियो मैं लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो पूरा आपको यहां पर 7 से 8 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है और यहां से आपको जो चीजें बताऊंगा आप अगर उतना पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 10 नंबर है वो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपका जीवन परिचय के अंतर्गत आपकी सारी टेंशन को खत्म कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर लेखक जीवन परिचय की। देखिए लेखकों में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में 4 चैप्टर इस बार पढ़ना था, लेकिन उन 4 में से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें से देखिए आपको पहला तो यहां पर तैयार करना है डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल जी का। भाई साहब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये कि अगर आप इसको तैयार करके नहीं गए तो आपका जीवन परिचय में 5 नंबर कटने वाला है, समझ गए ना। मान लीजिए अगर आप अगर एक ही तैयार किए हैं तो बहुत ज़्यादा कम से कम 95% चांसेस हैं कि आप एक जीवन परिचय को पढ़कर आप यहाँ पर 5 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 जीवन परिचय हैं जो जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं और 2 को आपको पढ़ना भी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको लेखक जीवन परिचय में। तो चलिए यहाँ पर आपका पहला हो गया, दूसरा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और तीसरा जीवन परिचय है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो यहाँ पर आपको इसके मिलेंगे 5 नंबर। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिए लिखना कैसे है, तो चलिए जानते हैं हम लोग यहां पर डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले यहां पर देखिए साहित्यिक परिचय देना होता है, आपको पता है कि 12th के अंतर्गत साहित्यिक परिचय लिखने के लिए पूरा अच्छे तरीके से आता है। तो चलिए हेडिंग आप लोग पहले डालेंगे जीवन परिचय। अब इसमें क्या क्या लिखना है जीवन परिचय में देखिए, तो यहां पर जैसे बता रहा हूं इतना ही लिखना, इससे ज्यादा शब्द सीमा आपको बढ़ाना नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है और नंबर आपको उतना ही मिलना है, ये ध्यान रहे। तो देखिए जैसे कि हमने लिखा कि डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल का जन्म और शॉर्ट तरीके से लिखना है, आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं जिससे कि पूरा जीवन परिचय आप बना देंगे। तो डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए इसमें आप एक पॉइंट तो याद कर लीजिए ये वाला कि जो इनका जन्म का समय है 1904 है और कहां पर हुआ था, तो मेरठ में, ठीक है ना, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर लीजिए फिर बना देंगे जैसे। और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इनके इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, ठीक है। अब देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने PhD व DLED की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। तो ये इनकी शिक्षा के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। अब आइए इसके बाद लिखना है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे। देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं जो वासुदेव अग्रवाल हैं ये पुरातत्व के जो है विद्वान माने जाते हैं, मतलब इनकी जितनी भी ज़्यादातर कृतियाँ हैं वो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इतिहास के जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये पुरातत्व के विद्वान हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद देखिए लिखना है कि हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक इनके जन्म का समय और एक इनके मृत्यु का समय, यही 2 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी जीवन परिचय आप लिखते हैं अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो जीवन परिचय काफ़ी हद तक सही माना जाता है। ये तो हुई हमारी जीवन परिचय की बात। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय कैसे देना है, क्योंकि बिना साहित्यिक परिचय के तो पूरे नंबर मिलेंगे नहीं। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव सन अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे, ठीक है ना, और इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। देखिए इतना आपको इनका साहित्य में परिचय दे देना है, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो और इसके बाद यहाँ पर इनकी कृतियाँ भी बतानी है, तो देखिए कृतियों में थोड़ा सा ध्यान देंगे
रचनाएं, तो लिखेंगे यहां पर प्रमुख रचनाएं, जैसे कि यहां पर निबंध संग्रह आपका इनका पृथ्वी पुत्र हो गया, माता भूमि हो गया, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो यहां पर कोई दो या तीन याद कर लीजिए, इतना ज्यादा आपको पूरी याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद शोध की बात करें तो पाणिकालीन भारत हो गया, संपादन जायसी हो गया, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या हो गई। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, ऐसे लिखना है और तीन के अलावा यहां पर नहीं पढ़ना, और मेन मेन आपको दो ही पढ़ना है, ठीक है, ऊपर की। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा कवि जीवन परिचय। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर लेखकों की, ठीक है ना, सॉरी कवि की, ये तो अभी तक हम लोग लेखक की बात कर रहे थे। अब कवियों में देखिए यहां पर पांच नंबर का ये भी आपका आएगा। तो इस बार के लिए कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, देखिए यहां पर आपको कवि जीवन परिचय में पहला जीवन परिचय जो तैयार करना है वो आपका यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है प्यारे साथियों ये। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, और एक जीवन परिचय आपका आता है यहां पर महादेवी वर्मा। लेकिन बोलेंगे भैया चार आपने बता दिया, इसमें से चार तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं, कि जिनको अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं पढ़ के गए सारे के सारे, जैसे चार बता रहा हूं आपको, चारों नहीं तैयार हैं, तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इसके बाद आपका आता है भैया जयशंकर प्रसाद, और फिर उसके बाद आता है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है ना। और इसके अलावा ये तो चार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो चलिए मैं यहां पर आपको बताऊंगा आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, कैसे लिखना है कवि जीवन परिचय, जिससे कि मिलेंगे पूरे पांच नंबर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय शॉर्ट में एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा, डालेंगे हम लोग हेडिंग जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉपी पर तो आप वैसे लिखेंगे ना जैसे आप लिखते हैं, कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको जल्दी ही लाने वाला हूं। तो इसके लिए देखिए लिखना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी, कब हुआ था तो 1900, ये ईस्वी सन याद रखिएगा, जो भी चीजें हैं इनको बहुत अच्छे से याद करना है। तो 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, तो ये इनका जन्म स्थान और जन्म का समय हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर लिखेंगे इनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था, तो माता पिता का नाम तो आसान है याद कर सकते हैं इतना भी, ठीक है ना। इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में की पाठशाला में हुई, और उसके पश्चात यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चले गए मेयर सेंट्रल कॉलेज और वहां पर इन्होंने प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान से यानी कि बुलावे पर कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है, मतलब कि भारत आज़ाद जब उसी टाइम पर लगभग हुआ था तो लड़ाई चल रही थी जो कि उस पर ये सम्मिलित हुए, ठीक है ना। तो गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, और फिर इन्होंने स्वाध्याय यानी कि स्वयं से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया, साहित्य सेवा करते हुए भी पंत जी का निधन 1977 ईस्वी में हो गया, ठीक है। तो ये इनका निधन का टाइम है, और यहाँ पर आप बाकी आप जन्म का समय भी देख सकते हैं, बाकी बीच में जो चीज़ें हैं इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में देखिए यहाँ पर लिखना है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही, मतलब कि इतनी छोटी कम आयु से ये क्या करने लगे थे, कविताओं की रचना करने लगे थे 7 वर्ष से, ठीक है ना। और इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया, तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ, और उसमें उनसे प्रभावित होकर यानी कि उनसे प्रेरित होकर, ठीक है ना, किससे, अरविंद घोष से प्रेरित होकर उन्होंने रचनाएं करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया उन्होंने भी रचनाएं की। अब 1961 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये इनकी साहित्य में इतनी सेवाएं थी, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, देखिए तो यहाँ पर आप लोग जो है साहित्यिक परिचय देने के बाद यानी कि इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल मृदुल भावों से अभिव्यक्ति करती हैं, और इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पल्लव, गुंजन, लोकायतन, बीड़ा ग्रंथ, ये सभी क्या है, इनकी प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं। और इस प्रकार से अगर आप कवि और लेखक जीवन परिचय अच्छे से लिखते हैं तो प्यारे साथियों आपका बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय का जो 10 नंबर है, 5 नंबर कवि का और 5 नंबर लेखक का, ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बाकी आगे भी आपको हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।